दिल्ली के पश्चिम विहार में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला कुरियर डिलीवरी करने का काम करती थी। देर शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच जब वो अपने घर लौट रही थी, इस दौरान बदमाशों ने उस पर फायरिंग की है। महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। महिला की उम्र 32 साल है। बेहद व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बिहार का इलाका जहां पर शाम को 7:30-8 बजे के बीच जो पीक आवर जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उस दौरान एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30-32 साल के बीच उम्र बताई जा रही है महिला की, और कुरियर डिलीवरी का काम करती थी, अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान महिला को गोली मारी गई है। तत्काल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल हमलावर कौन थे, हत्यारे कौन थे, ये पता नहीं चल पाया है, और हत्या की वजह क्या है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर किए हैं, और अपराधियों के मन में कानून का डर जो होना चाहिए उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी सुनसान इलाके में नहीं हुआ है। पीक आवर जिसको हम कहते हैं शाम के 7:30-8 बजे के बीच, जब अमन दिल्ली के किसी भी सड़क पर भीड़ होती है, उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। पश्चिम विहार इलाके में एक लड़की को गोली मारी गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। उसके जो भाई हैं वो हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। अच्छा, क्या हुआ आपकी बहन के साथ, कब आपको पता चला? मेरे को सर 7:45 के करीब पता चला था, फोन आया था कि बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बहन जा रही थी स्कूटी से, किसी ने गोली मार के उनकी स्कूटी वगैरह भी छीन ली है, गोली मार के उनको रोड पे छोड़ गए। अच्छा। तो उनको कोई अदर बंदा हॉस्पिटल वगैरह लेके आया, एडमिट कराया, पर यहाँ पे हॉस्पिटल में सामान ही नहीं था तो इसलिए उनकी डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा जी। क्या करती है आपकी बहन, क्या करती थी? फ्लिपकार्ट में जॉब करती थी डिलीवरी की। अच्छा अच्छा। कब वहाँ से निकली और कहाँ कहाँ पर जा रही थी? वो घर जा रहे थे जी। अच्छा, घर आपका कहाँ पर है? यही न्याल महल में। अच्छा अच्छा। और कहाँ से आ रही थी? इतना तो पता नहीं जी कहाँ से आ रही थी, वैसे जॉब वगैरह से ही आ रही थी वो। अच्छा अच्छा जी। सुबह कितने बजे निकली थी? सुबह वो ही निकली थी, वो 9-10 बजे करीब। अच्छा अच्छा जी। तो उसके बाद आपने बात भी करी थी क्या अपनी सिस्टर से कि कहाँ पर हो, कितनी देर में आ रही हो? मैंने नहीं, बच्चों ने करी थी और उनके हस्बैंड ने करी थी। अच्छा। करीब वही 6:30-6 बजे उनकी बात हुई थी, तो बोला था कि मैं आ रही हूँ घर पर ही। अच्छा अच्छा जी। और जो है उसके बाद आपको क्या जानकारी मिली? मेरे को मेरी दूसरी बहन का फ़ोन आया, जीजा ने फ़ोन करा था उनको। हाँ। कि उनका ऐसे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट वगैरह, गोली मार दी किसी ने, तो हॉस्पिटल पहुँचो वहाँ पे। अच्छा। तो जब मैं हॉस्पिटल आया वहाँ पे। क्या लग रहा है आपको, पुलिस ने बताया हो कि कौन हो सकते हैं मारने वाले, इसके बारे में कोई जानकारी? सर अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया, अभी पुलिस हमसे ही पूछ रही है कि इस पर शक है। अच्छा अच्छा जी। मैंने उनको बोला है कैमरे वगैरह चेक करो वहाँ पे जाके, क्या हुआ है क्या नहीं। अभी गए भी है, कुछ पता नहीं चला है, कैमरे चेक करे कि नहीं करे। तो फ्लिपकार्ट में जो है कब से नौकरी कर रही थी? अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ हुआ था। कहाँ पर है इसका ऑफिस? उद्योग नगर में, मेट्रो स्टेशन के पास। अच्छा 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 जी। और जो है क्या नाम है आपकी बहन की, शादी कब हुई थी? मेरी बहन का नाम ज्योति है। हाँ हाँ। उनके हस्बैंड का नाम दीपक है। अच्छा अच्छा। शादी को हो चुके हैं, वही 16-17 साल हो चुके हैं। लूटपाट सर वही स्कूटी थी, उन पर स्कूटी वो ले गए, बाकी पर्स वगैरह। कौन ले गया स्कूटी? जिन्होंने गोली मारी। अच्छा जी। ये बताया जा रहा है उसका फोन और सब चीजें, मोबाइल पड़ा रह गया, स्कूटी ले गए वो। इससे पहले कभी आपकी बहन के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की हो, कभी ऐसा कोई झगड़ा वगैरह कभी सामने आया? नहीं सर, कुछ गलत नहीं आया। आपको लगता है किसी पे शक है? नो सर, किसी पे शक नहीं। हस्बैंड कमाता है और वाइफ कमाती है। अच्छा अच्छा। दोनों ही कमाते थे बेचारे। ऐसा कुछ नहीं है, आज से पहले बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे, 2 बेटी है, 1 बेटा है, छोटा बेटा, 2 बेटी है। अच्छा। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मार्केट में काम करते हैं, कबाड़े प्लास्टिक लाइन में काम करते हैं। हस्बैंड का तो बाद में पता लगा जो अब हो चुका। कितने बड़ी जानकारी मिली? हैं? मेरे को 7:30 बजे मैं जोमेटो का काम करता हूँ, तो उस चक्कर में पता लगा, फ़ोन किया मेरे दोस्त, क्लोज दोस्त है ये मेरा। अच्छा। उसको पता लगा ऐसे ऐसी वाइफ के ये हो गया, तब मैं साइकिल में आया, तो इस चक्कर में पता लगा।